हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैदे से मिठाई, तो वो हम कैसे बनाते हैं आप लोग से भी शेयर करेंगे, तो वो भी झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मैदे की मिठाई। यहाँ पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है गैस पे, तो गैस को ऑन कर लेते हैं, कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई तो देसी घी डाल देते हैं इसमें। देसी घी थोड़ा ज़्यादा रहेगा। देसी घी हमारा गर्म हो गया है तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा को ऐड करेंगे। तो सारा हम डाल देते हैं। इसे एकदम लाल नहीं करना है, थोड़ा इसका कच्चापन बस निकल जाए, लेकिन हम थोड़ा जैसे सुनहाई आने लगे कि हाँ थोड़ी महक आ रही है, बस उसी तरीके से हमें गैस को बंद कर देना है। तो इसे भूज लेते हैं पहले। तो आप लोग देख सकते हैं हल्का फुल्का लाल हो गया ये, तो गैस को कर देते हैं बंद। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिया है, तो मैंने थोड़ा सा सीरा रखा हुआ था पहले से, तो और हमें बनाना है तो इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर देते हैं। तो जितनी आपको मीठा चाहिए उतना आप इसमें मीठा डाल सकते हैं। तो सीरे को हम अच्छे से पका लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सीरे में उबाल आ चुका है। तो धीरे धीरे चलाते हुए हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। तो हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाना है, जैसे हमारा पेड़ा बन सके उस तरीके से हमें करना है। तो इसी तरीके से चला चला के हम करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सीरा हमारा हो चुका है। तो हम जो हमारा हमने बना के रखा है पेड़े के लिए, वो धीरे धीरे आटा हम इसमें ऐड कर देंगे। तो एक बार में आपने ही डालना, नहीं तो वो जम जाएगा, शीरा है। अब धीरे धीरे करना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सूजी ली है, सिर्फ दानेदार हमारा पेड़ा बने इसलिए। और मैंने इलायची भी इसमें डाला था, लेकिन वो हमारी वीडियो बंद थी, हमें पता नहीं था। तो आप इलायची भी डाल देना इसमें। तो आप लोग देख सकते हैं हो गया है ये, तो गैस को बंद कर दिया है। यहाँ पे हमने एक पॉलीथीन लिया है बड़ा सा, जो साड़ी की थैली आती है, तो उसमें थोड़ा देसी घी लगा के हमें फिर अपना जो बैटर है वो सारा इस पे हम डाल देते हैं। और फिर हम इसे अच्छे से हाथों में घी लगा के इसे गूँथेंगे, जैसे आटे को हम गूँथते हैं। तो इसी तरीके से हमें गूँथना है। तो आप लोग देख सकते हैं लोई मैंने अच्छे से बना दिया है बड़ा सा। तो इसे हम अब बेलन की हेल्प से बेल लेंगे, पॉलीथीन को ऊपर से भी रख के। तो इसे हम बेल लेते हैं। तो अच्छे से मैंने बेल लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक जिसमें चाय पीते हैं पुरवा लिया है, तो उसी से हम काट लेते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ढक्कन से काट सकते हैं, इजीली ढक्कन से कट जाता है। तो मैंने ढक्कन भी यूज किया है, तो मैंने सारा ढक्कन से काटा है। तो हम सारा काट लेते हैं इसी तरीके से। तो फ्रेंड्स हमारा, तो आप लोग को भी खाने का मन कर रहा है तो इसी तरीके से आप लोग भी ट्राई करना, खाने में बहुत अच्छा लगता है। कोई भी फ़र्क नहीं पता चलेगा कि ये मैदे से बना है, तो कभी आप लोग भी ट्राई करना। चुकी है शाम का टाइम है, तो खाना हमने बना लिया है। तो खाने में हमने क्या बनाया, चलिए मैं आप लोग को दिखा। रोटी यहाँ पे है, कलौजी, आलू और बैगन का। तो हम लोग को थोड़ा लाल पसंद है एकदम, आलू को थोड़ा ज्यादा तेल में। यहाँ पे चावल भी बन गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तो चलिए गुड नाइट।